वेलकम टू माई चैनल कुक विद मिस खान। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल झटपट से बनने वाली आलू टिक्की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने 6 उबले हुए आलू ले लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। अब हम सारे आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने सारे के सारे आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा अरारोट। बेसिकली हमें इसे एक डो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हम आटा गूंथते बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए, मेरा डो ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने ऊपर से थोड़े से सेसमे सीड्स स्प्रिंकल किए हैं, क्योंकि मुझे पसंद है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब ये डो में से मैंने थोड़े से पेड़े बना लिए हैं, जिसके हम बनाएंगे टिक्की। तो आइए, अब एक तवा ले लेते हैं, उस पर हम डालते हैं रिफाइंड। अब इसमें मैंने 4 टिक्कियाँ आपने डाल ली थी, और इन्हें मैं अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लूँगी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। ये देखिए, मेरी टिक्कियाँ ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो मैंने एक प्लेट में टिक्की निकाल ली है अपनी, और मैंने एक दही में थोड़ी सी चीनी डाल के उसको फेंट लिया था अच्छे से विस्क की हेल्प से। अब मैंने वो दही डाल दिया है टिक्कियों के ऊपर। यहाँ पर मैंने हरी चटनी बनाई थी, ये थोड़ी सी तीखी है, इसलिए मैं थोड़ी सी कम डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर मीठी चटनी बनाई थी, वो मैंने इस पर डाली है, थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक डाल के। तो ये मेरी टिक्की बनकर तैयार है, और अब मैं चली इसे खाने। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब मुलाकात होगी आपसे नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो।